यूपी के बागपत और हरियाणा के सोनीपत में यमुना नदी के बीच में इंडियन ऑयल की गैस पाइपलाइन फट गई, जिसके बाद पानी में ऊंची लहरें उठने लगी। बागपत में 40 फीट तक पानी उछला। दोनों जगह गैस पाइपलाइन में प्रेशर कम कर दिया गया है और अलर्ट भी जारी किया गया है। अधिकारियों के अलावा मौके पर मरम्मत के लिए टीम भी भेजी गई थी। यूपी में SDM सुभाष सिंह ने बताया कि बागपत के जागोश गांव में रिफाइनरी की पाइपलाइन फटी थी। हरियाणा की तरफ से पाइपलाइन को ठीक किया जा रहा है। यह पाइपलाइन पानीपत से होते हुए सोनीपत, बागपत, गाजियाबाद, दादरी और नोएडा तक जाती है। पाइपलाइन IGL कंपनी की बताई जा रही है। बागपत के लोगों में भय का माहौल, अलर्ट जारी। बागपत ने अधिकारियों ने आसपास लोगों को अलर्ट कर दिया है। DM के निर्देशक के बाद इलाके में गैस की सप्लाई रोकी गई है। पाइपलाइन फटने से यमुना में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। इलाके में अलर्ट जारी किया गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पाइपलाइन में सुधार के बाद इसमें ब्लास्ट के कारणों पर जांच भी की जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह 4 बजे देखा तो नदी के बीच धुआं, आग और धमाके की आवाज आ रही थी। इसके बाद गांव में लोग दहशत में आ गए और पुलिस प्रशासन को जानकारी दी। SDM सुभाष सिंह ने बताया कि सुबह 3 बजे पाइपलाइन अचानक फट गई। अभी तक किसी को नुकसान की खबर नहीं है।